छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के सीएम बनने के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां कांग्रेस ने उनके बयान को व्यक्तिगत बताया है, वहीं भाजपा को चुटकी लेते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। वह अच्छे नेता है और अब नेता प्रतिपक्ष बनकर हमारे साथ रहे। पूर्व मंत्री का मंत्री का वासी लखमा ने कांग्रेस सरकार आने पर अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा है कि उनकी राय में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री होना चाहिए। आदिवासियों और किसानों की पसंद भूपेश बघेल ही है। इससे पहले सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने सिंहदेव के बयान को लेकर कहा था कि सिंहदेव हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका यह व्यक्तिगत बयान है। स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, न मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। देखिए, ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री है, टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी एक फटाका भी फूट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, उनका सोचना उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है और उनका कहना व्यक्तिगत निर्णय। दीपक भाई प्रदेश अध्यक्ष है, टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री है। मैं तो एक दरी बिछाने वाला आदमी हूँ, एक झंडी बांधने वाला आदमी हूँ, नारा लगाने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार जो बोलेगा हम वो करेंगे। मुख्यमंत्री आज के डेट में भूपेश बघेल से काबिल मुख्यमंत्री हिन्दुस्तान में है, ना हिन्दुस्तान के बाहर। टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री है। मैं तो एक दरी बिछाने वाला आदमी हूँ, एक झंडी बांधने वाला आदमी हूँ, नारा लगाने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार जो बोलेगा हम वो करेंगे। मुख्यमंत्री आज के डेट में भूपेश बघेल से काबिल मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है, ना हिंदुस्तान के बाहर। तो 5 साल में छत्तीसगढ़िया लोगों को दिल में घुसा है, छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदिवासी का विश्व दिवस का छुट्टी दिया है, सीजा पोला का छुट्टी दिया है। तो उसके साथ साथ भूपेश बघेल ने आदिवासी लोगों को देवगुड़ी गोठुल बनाया है। इसलिए बेहतर मेरे तरफ से तो, मैं छोटा कार्यकर्ता तरफ से तो बेहतर मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में नहीं हिंदुस्तान में बेहतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने 75 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 या 5 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, सभी विधायक जीत का सर्टिफिकेट लेकर रायपुर आएंगे। वहीं ऑपरेशन लोटस के सवाल पर दीपक वैज ने कहा कि कर्नाटक और एमपी की तरह यहां ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी में चुनाव के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 3 तारीख गिनती होगी तो 4 तारीख को संभवतः पूरे हमारे प्रत्याशी रायपुर आएंगे। रायपुर आने के बाद फिर विधायक दल का बैठक होगा, विधायक दल के बाद बैठक के बाद फिर हमारा सरकार बनने के बाद नेतृत्व के लिए आलाकमान निर्णय करेगा। आलाकमान जो निर्णय करेगा सबके लिए मान्य है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और ऐतिहासिक सीटों के साथ कांग्रेस जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा।